हेलो फ्रेंड्स, दिस इज दीपक। अभी तक हम लोगों ने मल्टी थ्रेडिंग के अंदर ये सारे टॉपिक्स कंप्लीट कर लिए, ओके। और पिछले दो तीन ट्यूटोरियल से हम लोग जो टॉपिक कर रहे थे, डेट वॉज सिंक्रोनाइजेशन। ये यहाँ पर आप डायग्राम देख सकते हो। देखो, सिंक्रोनाइजेशन के अंदर हम लोग कर रहे थे थ्रेड सिंक्रोनाइजेशन, जिसके अंदर हम लोगों ने म्यूचुअल एक्सक्लूसिव वाला पार्ट जो है वो चीज कंप्लीट कर लिया। That is synchronized method, synchronized block and static synchronization. Okay? आज जो हम लोग टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, that is cooperation, that is inter-thread communication. और इसके अंदर मैं आप लोगों को wait, notify and notify all, ये तीनों methods मैं आप लोगों को explain करने वाला हूँ. Okay? तो basically inter-thread communication होता क्या है, ये तीनों methods काम कैसे करते हैं, ये चीज मैं आज आप लोगों को deeply explain करूँगा. Okay? तो देखो, तो सबसे पहले तो बात करते हैं कि इंटर थ्रेड कम्युनिकेशन होता क्या है। देखो, इंटर थ्रेड कम्युनिकेशन एक मैकेनिज्म होता है जिसके अंदर रनिंग थ्रेड, वो जो लॉक उसने एक्वायर किया है वो उसको रिलीज कर देता है और वेटिंग या फिर पॉज स्टेट के अंदर चला जाता है, और जो दूसरा थ्रेड है वो लॉक एक्वायर कर लेता है और रन होता रहता है। और जैसे ही वो कंप्लीट हो जाएगा, जैसे ही वो वाला थ्रेड कंप्लीट हो जाएगा, वो एक नोटिफिकेशन भेज देता है ताकि जो थ्रेड वेट कर रहा था वो वापस से इन्वोक हो जाए। ओके, तो ये सिंपल इंटर थ्रेड कम्युनिकेशन होता है। मैं आप लोगों को प्रोग्रामिंग के थ्रू भी अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा, डेफिनेशन आपको वहां से समझ में भी आ जाएगी। ओके, तो इंटर थ्रेड कम्युनिकेशन ये वाला मैकेनिज्म अचीव करने के लिए बेसिकली हम लोग थ्री मेथड्स का यूज करते हैं, दैट इज वेट, नोटिफाई एंड नोटिफाई ऑल। ये तीन मेथड्स हैं जिसके थ्रू हम लोग इंटर थ्रेड कम्युनिकेशन मैकेनिज्म अचीव कर सकते हैं। ओके, अब इस केस में एक चीज का ध्यान रखना कि तीनों मेथड्स थ्रेड क्लास के मेथड्स नहीं है, ध्यान रखना ये चीज, ये ऑब्जेक्ट क्लास के मेथड्स होते हैं। क्लियर है पॉइंट? तो ये तीनों मेथड्स आप यहाँ पर डायग्राम के अंदर भी देख सकते हो। तो यहाँ देखो, इंटर थ्रेड कम्युनिकेशन क्या होता है, इट इज अ मैकेनिज्म इन विच अ थ्रेड रिलीजेस द लॉक एंड एंटर इनटू पॉज स्टेट, पॉज या फिर वो वेटिंग स्टेट के अंदर चला जाता है, एंड अनदर थ्रेड एक्वायर्स द लॉक एंड कंटिन्यू टू एग्जीक्यूटेड। क्लियर है पॉइंट? तो ये चीज का ध्यान रखना है, सिंपल होता है भाई इंटर थ्रेड कम्युनिकेशन, जिसमें एक थ्रेड जो रन हो रहा है वो ऑब्जेक्ट का लॉक जो उसने एक्वायर किया था वो उसको रिलीज कर देगा और वो वेटिंग स्टेट के अंदर या फिर पॉज स्टेट के अंदर चला जाएगा, और दूसरा थ्रेड जो है वो लॉक एक्वायर कर लेता है और वो एग्जीक्यूट होता रहता है, और जैसे ही वो एग्जीक्यूट होकर फिनिश हो जाता है तो वो क्या करेगा, वो नोटिफिकेशन सेंड कर देगा ताकि जो लॉक पॉज या फिर वेटिंग स्टेट के अंदर गया है वो दोबारा से इन्वोक हो जाए। ओके, और ये जो मैकेनिज्म है ये हम लोग वेट, नोटिफाई एंड नोटिफाई ऑल मेथड के थ्रू अचीव कर सकते हैं। क्लियर है चीज? ठीक है, अब बात करते हैं वेट की। तो ये देखो, वेट के अंदर क्या है, इफ एनी थ्रेड कॉल्स द वेट मेथड। अच्छा, ये चीजें मैं अभी आपको प्रोग्रामिंग के थ्रू एक्सप्लेन करने वाला हूं। एक बार मैं सिंपल दो मिनट का मैं थ्योरी पार्ट आप लोगों को एक्सप्लेन कर रहा हूं, फिर मैं प्रैक्टिकली आप लोगों को एक्सप्लेन करूंगा। ओके, तो वेट, इफ एनी थ्रेड कॉल्स द वेट मेथड इट कॉजेज द करंट थ्रेड टू रिलीज द लॉक एंड वेट अंटिल अनदर थ्रेड इनवोक्स द नोटिफाई और नोटिफाई ऑल मेथड फॉर दिस ऑब्जेक्ट और अ स्पेसिफाइड अमाउंट ऑफ टाइम हैज लैप्स्ड। ये यहां से आप लोगों सिंपल समझ में आ रहा होगा क्या चीज होता है। वेट मेथड क्या काम करता है, ये करंट थ्रेड को वेटिंग स्टेट के अंदर भेज देता है और वो लॉक रिलीज कर देता है, और वो वेट कब तक करता रहेगा, जब तक कि दूसरा थ्रेड नोटिफाई या फिर नोटिफाई ऑल मेथड को कॉल नहीं करवा लेता, इनवोक नहीं कर देता। क्लियर है चीज? या फिर हो सकता है, क्योंकि ये देखो वेट मेथड जो है वो दो वेट मेथड बने हुए हैं, तो एक वेट मेथड के अंदर हम लोग टाइम भी प्रोवाइड कर सकते हैं, तो वो वाला जो वेटिंग थ्रेड है वो अगर नोटिफाई या फिर नोटिफाई ऑल हम लोगों ने यूज नहीं किया ना, तो वो कुछ स्पेसिफाइड टाइम लिमिट के बाद भी इन्वोक हो सकता है। क्लियर है चीज? तो वेट जो वो बेसिकली टू टाइप्स के मेथड्स इन्होंने यहां पर बनाए हुए हैं, मेथड ओवरलोड किए हुए। ओके, ठीक है, देन आ जाता है नोटिफाई। नोटिफाई मेथड क्या काम करता है, ये जो थ्रेड वेट कर रहा है ये उस वाले थ्रेड को तो ये इन्वोक करवा देगा, वेकअप कर देगा, और खुद जो है वो ऑब्जेक्ट के लॉक को रिलीज कर देगा। सिमिलरली नोटिफाई ऑल, नोटिफाई ऑल जो है
वो सारे के सारे थ्रेड्स को वेकअप कर देगा, सारे के सारे थ्रेड्स को इन्वोक कर देगा और खुद जो है ऑब्जेक्ट के लॉक को रिलीज कर देगा। क्लियर है चीज? तो नोटिफाई एंड नोटिफाई ऑल के अंदर सिंपल यही डिफरेंस होता है कि भाई नोटिफाई जो है वो सिर्फ एक ही थ्रेड को इन्वोक करवा पाएगा, बट नोटिफाई ऑल जो है वो सारे के सारे थ्रेड्स को इन्वोक कर सकता है। क्लियर है चीज? बट मेजर इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान रखना कि अगर आप लोग वेट नोटिफाई एंड नोटिफाई ऑल मेथड को किसी भी ऑब्जेक्ट पर कॉल करवाते हो तो थ्रेड के पास उस ऑब्जेक्ट का लॉक होना चाहिए, ये चीज का ध्यान रखना। क्लियर है चीज? डेट मीन्स के थ्रेड जो है वो सिंक्रोनाइज्ड एरिया के अंदर होना चाहिए। क्लियर है पॉइंट? तो ये मेन पॉइंट है जो आप लोगों को ध्यान रखना है। क्लियर है पॉइंट? ये तो था इन तीनों मेथड्स का काम जो कि मैंने अभी थ्योरेटिकल पार्ट बताया। मैं अब आपको प्रैक्टिकली ये चीज करके दिखा देता हूं कि कैसे काम करता है। ओके, सबसे पहले हम लोग वही प्रॉब्लम देखेंगे कि क्या प्रॉब्लम आएगी अगर हम लोग ये चीजें यूज नहीं करते हैं तो। ओके ठीक है, देखो यहां पर हम लोग जो प्रोग्राम कर रहे थे वो कौन सा कर रहे थे? मूवी बुक टिकट वाला कर रहे थे। ओके, अब यहां पर मैं एक चीज और करना चाहता हूं कि भाई जो मूवी रिलीज हुई है उसके थ्रू मुझे कितनी अर्निंग्स हुई है, मुझे वो चीज कैलकुलेट करना है। ओके, तो इसके ऊपर अब हम लोग प्रोग्राम एक बार क्रिएट करके देखते हैं। देखो यहां पर मैंने क्या कर दिया, एक क्लास क्रिएट कर दी डेट इज टोटल अर्निंग्स के नेम से। ओके ठीक है, ये लो जी ये मेरे पास क्या हो गया, सिंपल एक क्लास यहां पर क्रिएट होगी। ओके, और यहां पर मैंने कर दिया डेट इज एक्सटेंस थ्रेड। मैंने यहां पर क्या कर दिया, डेट इज एक्सटेंस थ्रेड, थ्रेड क्लास को मैंने यहां पर एक्सटेंड करवा दिया। और यहां पर मैंने रन मेथड को ओवरराइड करवा दिया, डेट इज पब्लिक वॉइड रन। ओके ठीक है जी, ये लो ये हमारे पास क्या आ गया, डेट इज रन मेथड। क्लियर है चीज? अब यहां पर मैं एक काम करता हूं, यहां पर मैं एक वेरिएबल ले लेता हूं डेट इज इंट टोटल इक्वल्स टू जीरो। ओके, ये लो जी मेरे पास एक वेरिएबल आ गया टोटल जिसकी वैल्यू क्या है, जीरो। और यहां पर मैंने फॉर लूप लगा दिया, फॉर लूप लगा दिया डेट इज एंट आई इक्वल्स टू वन, देन आई शुड बी लेस देन और इक्वल्स टू टेन एंड आई प्लस प्लस, फॉर लूप लगा दिया। और यहां पर मैं क्या कर रहा हूं, इसको इंक्रीमेंट करवा दूंगा डेट इज टोटल इक्वल्स टू, मैंने यहां पर क्या कर दिया टोटल प्लस 100 फॉर एग्जाम्पल मैंने यहां पर कर दिया, ये लो जी। ओके, तो यहां पर क्या हो रहा है, देखो मैंने पिछले बार करवाया था ना कि टोटल फॉर एग्जाम्पल थिएटर के अंदर 10 सीट्स हैं। ओके, और अभी मैं अज्यूम कर रहा हूं कि 10 की 10 सीट्स हमारे पास बुक हो चुकी है और हर एक का जो हर एक सीट का प्राइस वो कितना है, 100 रुपीज है। क्लियर है चीज? तो यहां पर क्या होगा, ये जो लूप है ये 10 टाइम्स चलेगा और 10 टाइम्स चलेगा तो ये क्या करेगा, बार बार 0 प्लस 100 हो जाएगा, देन टोटल की वैल्यू कितनी होगी 100, देन 100 प्लस 100 कितना हो जाएगा 200। तो इस टाइप से वो 10 टाइम्स लूप चलेगा और ये जो है ये आउटपुट क्या चीज प्रोवाइड कर देगा, 1000। दैट मींस के हमारे पास जो टोटल बिजनेस हुआ है वो कितने का हुआ है, 1000 रुपीज का हुआ है। ओके, ये सिंपल हमारे पास क्या चीज है, टोटल अर्निंग्स हमारे पास एक क्लास आ गई। ओके ठीक है, अब यहां पर मैं क्या काम करता हूं, एक क्लास और मैं यहां पर क्रिएट कर देता हूं, डेट इज क्लास मैंने यहां पर क्रिएट कर दी फॉर एग्जांपल मूवी बुक ऐप के नेम से। ओके, ये लो जी क्लियर है पॉइंट। और इसके अंदर मैंने यहां पर क्या कर दिया, एक मेन मेथड यहां पर क्रिएट कर दिया डेट इज पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन। और अब मैं क्या करूंगा, इस क्लास का यहां पर ऑब्जेक्ट क्रिएट कर देता हूं डेट इज टोटल अर्निंग, अर्निंग्स टी इक्वल्स टू न्यू देन टोटल अर्निंग्स। ओके, ये लो ऑब्जेक्ट मैंने क्रिएट कर दिया एंड टी डॉट स्टार्ट मैंने यहां पर क्या कर दिया, स्टार्ट मेथड को कॉल यहां पर कर दिया। मींस के ये क्या करेगा, ये वाला मेथड कॉल कर लेगा। ओके, और यहां पर मैं क्या करता हूं, टी डॉट टोटल, क्योंकि देखो टोटल हो रहा है हमारे पास, तो मैं क्या करता हूं यहां पर टोटल अर्निंग्स यहां पर प्रिंट करवा देता हूं डेट इज सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन। यहां पर मैंने कर दिया फॉर एग्जांपल टोटल अर्निंग्स, टोटल अर्निंग्स हमारे पास कितनी हो जाएगी, फॉर एग्जांपल टी ई क्या है, ये वाला पार्ट है डॉट टोटल। तो ये लो जी इतने फॉर एग्जांपल रुपीज का हमारे पास क्या हुआ है, यहां पर बिजनेस हुआ है। ओके, तो ये लो जी क्लियर है पॉइंट। तो ये हमारे पास क्या आ गया है, मेन मेथड यहां पर क्लोज हो गया। ओके, तो यहां पर अब आप देख रहे हो, ये देखो हमारे पास यहां पर क्या आ रहा है,
ये क्या हमारे पास मेन थ्रेड आ गया, क्लियर है जिस, ये लो जी ये हमारे पास क्या आ गया मेन थ्रेड आ गया। और यहां पर क्या हो रहा है, ये वाला एक और थ्रेड यहां पर क्रिएट हो गया, डेट इज थ्रेड जीरो। और ये वाला जो थ्रेड है ये वाला पार्ट एग्जीक्यूट करेगा, क्लियर है जिस, डेट इज थ्रेड जीरो। थ्रेड जीरो जो है वो चीज ये जो है ये वाला पार्ट एग्जीक्यूट कर देगा। ओके, तो यहां पर देख रहे हो मेन थ्रेड ने क्या किया, एक थ्रेड इन्वोक कर दिया, ठीक है। देन जैसे ही मैंने ये वाला पार्ट किया, ये यहां पर क्या करेगा, टोटल अर्निंग से कैलकुलेट कर लेगा। तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 1000। इसकी वैल्यू, क्योंकि ये वाला लूप 10 टाइम्स चलेगा, तो 100 10 टाइम्स जब ये ऐड होता रहेगा तो वैल्यू क्या आ जाएगी, 1000। ओके, और फिर ये यहां पर क्या चीज प्रिंट कर देगा, टोटल अर्निंग्स यहां पर प्रिंट करवा देगा, डेट इज टीई डॉट टोटल। टीई जो है वो चीज क्या है, टोटल अर्निंग्स का ऑब्जेक्ट है, तो इसका ऑब्जेक्ट था तो डॉट टोटल, तो वो ये वाला टोटल गेट करवा देगा। तो यहां पर अगर हम लोग देखें तो यहां पर हमारे पास आउटपुट क्या आनी चाहिए, यहां पर हमारे पास आउटपुट क्या आनी चाहिए, ये वाला टोटल उसको वहां पर प्रिंट करवाना चाहिए था। डेट मीन्स के टोटल अर्निंग्स उसको कितनी प्रिंट यहां पर करवानी चाहिए थे, डेट इज 1000 रुपीज। क्लियर है पॉइंट। बट अब बात करते हैं कि भाई क्या ये चीज, क्या ये वाला प्रोग्राम आउटपुट प्रॉपरली प्रोवाइड करेगा, क्या इसकी आउटपुट प्रॉपरली आएगी। यहां पर ये चीज का ध्यान रखना कि भाई ये वाला जो थ्रेड है, मेन थ्रेड भी एग्जीक्यूट होने लग जाएगा और यहां पर थ्रेड जीरो भी एग्जीक्यूट होने लग जाएगा। तो यहां पर ये चीज प्रॉब्लम आ सकती है कि भाई जब तक ये यहां पर टोटल अर्निंग्स कैलकुलेट करेगा, जब तक ये यहां पर टोटल अर्निंग्स कैलकुलेट करेगा, हो सकता है उस टाइम तक मेन मेथड ने ये वाला पार्ट एग्जीक्यूट करवा दिया हो, क्लियर है चीज। तो उस टाइम पर वैल्यू क्या आएगी, उस टाइम पर वैल्यू क्या आएगी, उस टाइम पर वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, जीरो। तो टोटल अर्निंग्स क्या चीज डिस्प्ले करवा देगा, जीरो। समझ रहे हो ये चीज, क्यों जीरो प्रिंट करवाएगा, क्योंकि भाई मेन मेथड भी एग्जीक्यूट हो रहा है, थ्रेड जीरो भी एग्जीक्यूट हो रहा है। अब थ्रेड जीरो जब ये वाला काम करेगा तो उसको थोड़ा बहुत तो टाइम लगेगा, कुछ तो टाइम लगेगा। उस टाइम पीरियड तक तो मेन मेथड मेन थ्रेड वो ये वाली अर्निंग, टोटल अर्निंग प्रिंट करवा चुका होगा, और टोटल अर्निंग यहां पर क्या हो जाएगी, जीरो। क्लियर है चीज। तो यहां पर मेन थ्रेड वो टोटल अर्निंग गलत प्रोवाइड कर देगा, क्यों, क्योंकि इसको थोड़ा बहुत यहां पर टाइम लगना था, क्लियर है चीज। तो इस टाइप के प्रोग्राम में ये वाली प्रॉब्लम आ सकती है, समझ लग गई है बात। तो एक बार एक काम करते हैं, सबसे पहले हम लोग ये वाला पार्ट प्रैक्टिकली एक बार करके देख लेते हैं कि इसमें प्रॉब्लम आएगी कैसे, क्या आउटपुट वो प्रोवाइड करेगा, और फिर इसको हम लोग सॉल्व कैसे कर सकते हैं, ये चीज मैं आप लोगों को अगेन प्रैक्टिकली भी दिखाऊंगा और अभी करके भी दिखाऊंगा। ओके, तो देखो, तो यहां पर देखो, यहां पर जैसे मैंने नेटबीन्स ओपन कर दिया और यहां पर मैं एक न्यू प्रोजेक्ट बना लेता हूं, प्रोजेक्ट का नेम हम लोग प्रोवाइड कर देते हैं, डेट इज टोटल मूवी ऐप कर देते हैं सिंपल। यहां पर मैंने क्या कर दिया, डेट इज मूवी बुक ऐप के नेम से। ओके, ये लो मैंने यहां पर ऐप में ट्रिपल पी कर दिया है। ओके, तो ये लो जी यहां पर मैंने क्या कर दिया, एक क्लास यहां पर क्रिएट कर दी, क्लियर है चीज। ठीक है, मैं एक बार इसके कमेंट्स वगैरह जो हैं उनको यहाँ पर रिमूव कर देता हूँ। ओके, तो ये लो, ठीक है। अब सबसे पहले हम लोग यहाँ पर क्या काम करते हैं, एक यहाँ पर क्लास क्रिएट कर देते हैं, डेट इज टोटल अर्निंग्स के नेम से। ओके, और ये क्लास क्या कर रही है, ये एक्सटेंड कर रही है किसको, डेट इज थ्रेड को, क्लियर है जिस। और यहाँ पर मैंने क्या कर दिया, पब्लिक वॉइड रन, रन मेथड मैंने यहाँ पर ओवरराइड कर दिया, जिसके अंदर मैंने यहाँ पर लगा दिया फॉर लूप, डेट इज इंट आई इक्वल्स टू 1, आई शुड बी लेस देन और इक्वल्स टू 10, के भाई 10 सीट्स हैं और सारी की सारी सीट्स बुक हो चुकी हैं। और यहाँ पर मैंने क्या काम कर दिया, डेट इज इंट टोटल इक्वल्स टू 0, और यहाँ पर मैंने कर दिया डेट इज टोटल इक्वल्स टू टोटल प्लस 100, के भाई 100 रुपीज की एक टिकट है और वो बार बार टोटल करवाता जाएगा, कितने टाइम्स तक, 10 टाइम्स तक, क्योंकि 10 सीट्स हमारी बुक हो चुकी है। ओके, और यहां पर अब हम लोग एक काम करते हैं, टोटल अर्निंग्स इस क्लास का हम लोग ऑब्जेक्ट यहां पर क्रिएट कर लेते हैं, एंड देन टीई डॉट स्टार्ट, और यहां पर मैं प्रिंट करवा देता हूं, डेट इज यहां पर मैंने प्रिंट करवा दिया, डेट इज टोटल अर्निंग्स। टोटल अर्निंग्स हमारे पास कितनी हो जाएगी, टीई डॉट टोटल। ओके, इतने रुपीज की फॉर एग्जाम्पल अर्निंग्स यहां पर होगी। ओके, तो एक बार आप यहां पर रन करके देखो ये क्या आउटपुट प्रोवाइड करता है। ये देखो,
जैसे ही मैंने यहां पर रन किया, ये देखो ये क्या बोल रहा है यहां पर कि भाई 0 रुपीज की अर्निंग यहां पर हुई है। क्लियर है चीज, 0 रुपीज की अर्निंग। क्यों? क्योंकि भाई टी ए डॉट टोटल ये जो है ये अभी डायरेक्टली यही वाली वैल्यू प्रिंट करवा देगा। क्यों? क्योंकि ये वाला थ्रेड भी चल रहा है और मेन थ्रेड भी चल रहा है। अब ये लाइन तो मेन थ्रेड एग्जीक्यूट करवा देगा, उसको टोटल की वैल्यू मिल जाएगी 0। क्यों? क्योंकि जब तक ये वाला थ्रेड एग्जीक्यूट होगा तब तक तो मेन थ्रेड इसको प्रिंट करवा चुका होगा। क्लियर है चीज, तो इसको टाइम लग रहा है। बट मैं यहां पर क्या चाहता हूं कि भाई जब टोटल प्रिंट कैलकुलेट हो जाए उसके बाद मेन थ्रेड जो है वो इसको एग्जीक्यूट करे, वो ये वाली लाइन यहां पर एग्जीक्यूट करे। क्लियर है चीज, तो यहां पर ये वाली प्रॉब्लम आ रही है जो आप लोगों को सॉल्व करनी है। हाँ जी, समझ लगी बात। यहां पर प्रॉब्लम क्या आ रही है कि भाई ये चीज हमें, ये वाला पार्ट हम कैलकुलेट हो जाए, टोटल अर्निंग्स कैलकुलेट हो जाए, उसके बाद ये वाली लाइन एग्जीक्यूट हो ताकि वो प्रॉपर टोटल अर्निंग्स डिस्प्ले करवा सके। हाँ जी, क्लियर है पॉइंट। तो ये वाली प्रॉब्लम है जो अब हम लोग सॉल्व करके देख लेते हैं। ओके, सो आई होप आप लोगों को प्रॉब्लम तो पता चल गई है कि प्रॉब्लम क्या है। ओके, और आउटपुट हमारी गलत आ रही है वो आई होप अब आप लोगों को पता चल गया है। अब इसको सॉल्व कैसे करना है वो चीज़ देखो। देखो यहाँ पर मेन थ्रेड ने ये वाला पार्ट एग्जीक्यूट करवा दिया था। मैं एक काम करता हूँ, इसको बना देता हूँ कमेंट। मैं क्या चाहता हूँ कि भाई मेन थ्रेड जो है वो चीज़ क्या हो जाए, वो वेटिंग स्टेट के अंदर चला जाए। वो वेटिंग स्टेट के अंदर चला जाए। कब तक वेटिंग स्टेट के अंदर चला जाए? जब तक के ये वाला थ्रेड, जब तक के थ्रेड जीरो वो टोटल अर्निंग्स कैलकुलेट नहीं कर लेता। और जैसे ही वो टोटल अर्निंग्स कैलकुलेट कर लेगा उसी टाइम मैं क्या करूंगा, इसको नोटिफिकेशन सेंड करवा दूंगा कि भाई अब आप क्या हो जाओ, इन्वोक हो जाओ। समझ लगी बात, दोबारा फिर सुन लो। देखो ये चीज, मैं क्या चाहता हूँ कि भाई यहां पर मेन थ्रेड जो वो टोटल अर्निंग्स डायरेक्टली प्रिंट करवा रहा था, आउटपुट हमारे पास क्या आ रही थी, 0। ओके, तो मैं आपके बाद डायरेक्टली ये पार्ट नहीं करूंगा। मैं क्या काम करूंगा, मैं मेन थ्रेड को ये बोल दूंगा कि भाई आप वेट करो। आप वेट कब तक करो? अच्छा, मैंने क्या बताया था कि जैसे ही वेट होगा, जैसे ही थ्रेड वेटिंग स्टेट के अंदर जाएगा, ये लॉग छोड़ देगा, ये इस वाले ऑब्जेक्ट का लॉग जो है वो रिलीज कर देगा। वो लॉक एक्वायर करेगा कौन? ये टी ई जो है वो चीज एग्जीक्यूट होता जाएगा, वो थ्रेड एग्जीक्यूट होकर वो यहां पर फिर नोटिफिकेशन इसको सेंड कर देगा ताकि ये दोबारा से इन्वोक हो जाए। हाँ जी, क्लियर है पॉइंट। तो ये वाला पार्ट अब आपको करना कैसे वो चीज देख लेते हैं। तो सिंपल है, यहां पर आपको क्या काम करना है, यहां पर आपको सिंपल सिंक्रोनाइज्ड ब्लॉक का यूज करना है। यहां पर आपको क्या करना है, डेट इज सिंक्रोनाइज्ड। सिंक्रोनाइज्ड के अंदर मैंने यहां पर क्या लगा दिया, डेट इज टी। क्लियर है चीज, तो ये लो मैंने यहां पर क्या कर दिया, सिंक्रोनाइज्ड। इस ऑब्जेक्ट के ऊपर सिंक्रोनाइज्ड प्रोवाइड, सिंक्रोनाइजेशन हम लोग अचीव करेंगे। और यहां पर मैंने क्या चीज प्रोवाइड कर दी है, डेट इज टी डॉट वेट। मैंने यहां पर क्या कर दिया, डेट इज टी क्या, ये वाला ऑब्जेक्ट है टी डॉट वेट। तो ये वाली लाइन एग्जीक्यूट कौन कर रहा है, ये वाली लाइन एग्जीक्यूट कर रहा है मेन थ्रेड। ओके, तो जैसे ही मेन थ्रेड ये वाली लाइन एग्जीक्यूट करेगा तो जो लॉक मेन थ्रेड ने एक्वायर किया था वो लॉक ये क्या कर देगा, रिलीज कर देगा। क्लियर है पॉइंट, वो लॉक ये क्या काम करेगा, रिलीज कर देगा। और वो लॉक एक्वायर कौन कर लेगा, टी जीरो। ओके, ठीक है। अब टी जीरो ने लॉक अगर एक्वायर कर लिया तो यहां पर भी मुझे सिंक्रोनाइजेशन अचीव करनी पड़ेगी, सिंक्रोनाइजेशन पार्ट जो है वो चीज प्रोवाइड करना पड़ेगा। तो यहां पर हम लोग क्या चीज लगा सकते हैं, सिंपल मैं यहां पर लगा सकता हूं डेट इज सिंक्रोनाइज्ड। यहां पर भी मैं ऑब्जेक्ट, यहां पर मैं डायरेक्टली प्रोवाइड क्या कर देता हूं, डेट इज दिस मैं यहां पर प्रोवाइड कर देता हूं, ये लो जी। तो यहां पर मैंने क्या कर दिया, सिंक्रोनाइज्ड ब्लॉक लगा दिया। तो अब की बार क्या होगा, ये वाला थ्रेड डेट इज टी जीरो जो है वो उस ऑब्जेक्ट के लिए लॉक एक्वायर कर लेगा, वो चीज कैलकुलेट करता रहेगा टोटल अर्निंग्स। और जैसे ही वो टोटल अर्निंग्स कैलकुलेट कर लेगा, मैं यहां पर क्या काम कर दूंगा, दिस डॉट नोटिफाई। क्लियर है चीज, यहां पर मैंने क्या काम कर दिया है, दिस डॉट नोटिफाई प्रोवाइड कर दिया। क्यों? क्योंकि जैसे ही वो टोटल अर्निंग्स कैलकुलेट कर लेगा, मैंने नोटिफाई वाला मेथड इन्वोक करवा दिया। नोटिफाई के होते ही ये क्या काम करेगा,
थ्रेड जीरो वो अपना लॉक रिलीज कर देगा, वो लॉक अगेन एक्वायर कौन कर लेगा, मेन थ्रेड, और मेन थ्रेड जो है वो अगेन एग्जीक्यूट होने लग जाएगा। तो अब की बार या तो आप यहां पर लिख दो डेट इज टोटल अर्निंग्स, आप यहां पर भी लिख सकते हो, या फिर आप ये वाली लाइन जो है ये चीज आप बाहर भी लिख सकते हो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो यहां पर क्या आ जाएगा, डेट इज टोटल अर्निंग्स, टोटल अर्निंग्स हमारे पास यहां पर आ जाएगा डेट इज टी ई डॉट टोटल, और यहां पर आ जाएगा डेट इज रुपीज। क्लियर है पॉइंट? तो जैसे ही ये यहां पर, जैसे ही ये यहां पर थ्रेड जीरो दिस डॉट नोटिफाई मेथड को इन्वोक करेगा, ये वाला थ्रेड लॉक रिलीज कर देगा, वो लॉक एक्वायर कौन कर लेगा, अगेन मेन थ्रेड लॉक एक्वायर कर लेगा, और वो फिर नेक्स्ट लाइन पर, नेक्स्ट लाइन जो है वो चीज एग्जीक्यूट करनी स्टार्ट कर देगा, और नेक्स्ट लाइन जैसे ही एग्जीक्यूट होगी इस टाइम तक हमारा टोटल जो है वो चीज ये कैलकुलेट कर चुका होगा और प्रॉपर वो आउटपुट ये यहां पर प्रोवाइड कर देगा। क्लियर है पॉइंट? सो इस टाइप से हम लोग अपने प्रॉब्लम को सॉल्व यहां पर कर सकते हैं। कैसे, ये मैं दोबारा फिर से आप लोगों को बता देता हूं। ये चीज देखो, प्रॉब्लम क्या कर हो रही थी वो चीज भी बता देता हूं दोबारा से, और कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे ये चीज ध्यान से सुनना। देखो, ये हमारे पास मेन थ्रेड एग्जीक्यूट हो रहा था, ये हमारे पास टी जीरो थ्रेड एग्जीक्यूट हो रहा था। ओके, ये हमारे पास अभी के लिए फॉर एग्जाम्पल कमेंट नहीं है, ये हमारे पास नहीं है। ओके, तो दोनों थ्रेड एक साथ एग्जीक्यूट हुए, देन ये वाला थ्रेड ने क्या काम कर दिया, टोटल अर्निंग्स इसने कैलकुलेट करनी थी। ओके, ठीक है, बट तब तक क्या हुआ, मेन थ्रेड एग्जीक्यूट होता होता उसने ये वाली लाइन एग्जीक्यूट कर दी, और टी ई डॉट टोटल उसने क्या कर दिया, टोटल उसने ये वाला टोटल प्रिंट करवा दिया। क्यों? क्योंकि टोटल अर्निंग्स, क्योंकि थ्रेड जीरो जो है वो टोटल अर्निंग्स कैलकुलेट नहीं करवा पाया था, उससे पहले ही मेन थ्रेड ने टोटल अर्निंग्स यहां पर प्रिंट करवा दी, तो वो जीरो प्रिंट करवा रहा था। क्लियर है चीज? बट हमें क्या करना है, इस चीज को ऐसे नहीं करना, हमें यहां पर क्या काम करना है, मैं इसको कर देता हूं कमेंट। मैं क्या चाहता हूं अब यहां पर कि भाई मेन थ्रेड जो है वो चीज वेटिंग स्टेट के अंदर चला जाए, और कब तक वेट करे, जब तक कि ये टोटल कैलकुलेट ना कर ले। क्लियर है पॉइंट? तो यहां पर हम लोगों ने क्या कर दिया है, TE डॉट वेट प्रोवाइड कर दिया, किसके अंदर, सिंक्रोनाइज्ड ब्लॉक के अंदर। अभी मैंने आप लोगों को बताया था कि सिंक्रोनाइजेशन अचीव करना बहुत जरूरी है अगर आप वेट नोटिफाई एंड नोटिफाई ऑल मेथड को यूज करते हो तो। ओके, तो यहां पर क्या होगा, सिंक्रोनाइज्ड इस वाले ऑब्जेक्ट के लिए मैंने सिंक्रोनाइज्ड ब्लॉक प्रोवाइड कर दिया, और फिर मैंने कर दिया TE डॉट वेट। तो मेन थ्रेड जो है जैसे ही वो ये वाली लाइन एग्जीक्यूट करेगा वो वेटिंग स्टेट के अंदर चला जाएगा, वो पॉज हो जाएगा। ओके, अब पॉज होते ही उसने लॉक छोड़ दिया, लॉक रिलीज कर दिया, वो लॉक एक्वायर किसने कर लिया, इस वाले थ्रेड ने, डेट इज टी जीरो थ्रेड ने। टी जीरो थ्रेड जो है वो अगेन सिंक्रोनाइज्ड ब्लॉक के अंदर आ गया, देन उसने यहां पर टोटल अर्निंग्स कैलकुलेट करनी स्टार्ट कर दी, और उसने लास्ट में यहां पर दिस डॉट नोटिफाई, नोटिफाई वाले मेथड को कॉल करवा लिया। डेट मींस के वो ये वाला थ्रेड जो है ये चीज लॉक को रिलीज कर देगा, और वो एक नोटिफिकेशन भेज देगा कि भाई मैंने अपना काम कर दिया, अब आप इन्वोक हो जाओ। तो ये वाली नोटिफिकेशन जाएगी वापस यहां पर, लॉक अगेन मेन थ्रेड जो है वो एक्वायर कर लेगा, और फिर से वो आगे जो भी कोडिंग पार्ट होगा वो एग्जीक्यूट ये करवाता रहेगा, और जैसे ही वो ये वाली लाइन एग्जीक्यूट करवाएगा टोटल अर्निंग्स जो है वो प्रॉपर कैलकुलेट हो चुकी होगी, इसकी वैल्यू डेट इज 1000 वो यहां पर प्रिंट करवा देगा। क्लियर है चीज? तो ये सिंपल है, जिसके थ्रू हम लोग इस वाली प्रॉब्लम को रिजोल्व कर सकते हैं, किसके थ्रू, डेट इज वेट एंड नोटिफाई मेथड के थ्रू। बस आप लोगों को क्या ध्यान रखना है कि भाई ये दोनों चीजें सिंक्रोनाइजेशन के अंदर ही होनी चाहिए। हम लोगों ने यहां पर कौन सा पार्ट यूज किया, सिंक्रोनाइज्ड ब्लॉक वाला पार्ट यहां पर यूज किया है। क्लियर है पॉइंट? सो ये पॉइंट्स आप लोगों को ध्यान रखने हैं। ओके, तो मैं एक बार ये प्रोग्राम प्रैक्टिकली भी करके दिखा देता हूं। ओके, तो देखो, तो यहां पर देखो, यहां पर मैं क्या चाहता हूं कि भाई ये जो अर्निंग्स है ये यहां पर प्रिंट ना करवाए। ओके, तो सबसे पहले ये क्या हो जाए, वेटिंग स्टेट के अंदर चला जाए, तो उसके लिए मैं यहां पर क्या करूंगा, एक सिंक्रोनाइज्ड ब्लॉक मैं यहां पर प्रोवाइड कर दूंगा, और उसके अंदर मैं यहां पर कर दूंगा डेट इज TE डॉट वेट। क्लियर है चीज? तो ये लो जी, ये यहां पर आ जाएगा। अच्छा, ये क्या बोल रहा है, अनरिपोर्टेड एक्सेप्शन, डेट इज इंटरप्टेड एक्सेप्शन।
तो या तो आपको यहां पर क्या करना पड़ेगा, ट्राई कैच का यूज करना पड़ेगा, या फिर आप यहां पर थ्रोज इंटरप्टेड एक्सेप्शन, सॉरी यहां पर आप लिख सकते हो डेट इज थ्रोज इंटरप्टेड एक्सेप्शन, आप यहां पर प्रोवाइड कर सकते हो। ओके ठीक है, और जैसे ये वेटिंग स्टेट के अंदर गया ये लॉक रिलीज कर देगा। अब मैं ये चाहता हूं कि भाई ये वाला लॉक कौन एक्वायर कर ले, ये यहां पर लॉक एक्वायर हो जाए, तो यहां पर मैं क्या करूंगा, अगेन सिंक्रोनाइज्ड ब्लॉक में यहां पर प्रोवाइड कर दूंगा डेट इज दिस वन, और यहां पर मैं क्या काम करूंगा, ये वाला पार्ट मैं एग्जीक्यूट करवा दूंगा। ओके पेस्ट करवा दूंगा, और इसके बाद मैं इसको क्या करूंगा, नोटिफिकेशन सेंड करवा दूंगा, मींस नोटिफाई वाला मेथड मैंने यहां पर कॉल कर दिया, और अब जैसे ये नोटिफाई करेगा ये वाला मेथड इन्वोक हो जाएगा, और फिर जाकर मैं यहां पर क्या कर सकता हूं, टोटल अर्निंग्स मैं यहां पर प्रिंट करवा सकता हूं डेट इज टी ई डॉट टोटल। हाँ जी क्लियर है पॉइंट, तो ये लो जी इस टाइप से मैं यहां पर प्रिंट करवा सकता हूं। क्लियर है जिस, तो अब की बार देखो जब आप इसको रन करोगे तो अब की बार आउटपुट हम लोग यहां पर चेक करके देखते हैं, तो ये देखो अब की बार क्या काम कर रहा है, वो प्रॉपरली आउटपुट यहां पर डिस्प्ले करवा रहा है। हाँ जी क्लियर है पॉइंट, तो ये पॉइंट आप लोगों को ध्यान रखना है कि भाई हम लोगों को वेट एंड नोटिफाई ऑल, नोटिफाई या फिर नोटिफाई ऑल मेथड कैसे यूज करना है, कहां पर यूज करना है, और उसकी वर्किंग क्या है, ये चीजें आप लोगों को पता होनी चाहिए। हाँ जी क्लियर है पॉइंट, तो इस टाइप से हम लोग यहाँ पर प्रॉपर टोटल अर्निंग्स को कैलकुलेट करवा सकते हैं बाय यूजिंग नोटिफाई एंड वेट मेथड। क्लियर है चीज, सो आई होप यहाँ पर आप लोगों को ये वाला प्रोग्राम समझ में आ गया होगा। ओके इसकी कोई ज्यादा बड़ी वर्किंग नहीं है, सिंपल वर्किंग है। क्या चीज है, देखो जैसे मैंने ये वाला ऑब्जेक्ट बनाया था, मैंने कौन सा ऑब्जेक्ट बनाया था यहाँ पर डेट इज टी ई, ओके, और इसके अंदर नॉन सिंक्रोनाइज्ड एरिया होता है एंड सिंक्रोनाइज्ड एरिया होता है। ओके और यहां पर क्या है, यहां पर हम लोग किसको कॉल करवा रहे हैं, डेट इज टी ई। अच्छा उससे पहले यहां पर हमारे पास दो थ्रेड है, कौन कौन से थ्रेड है, एक तो हमारे पास मेन थ्रेड और एक थ्रेड हमारे पास यहां पर कौन सा है, डेट इज थ्रेड जीरो। ओके और इसका अपना एक लॉक होता है, ऑब्जेक्ट का क्या है, अपना एक लॉक होता है। ओके अच्छा मैंने यहां पर क्या कर दिया, सिंक्रोनाइज टी ई किया, ये वाला जो सिंक्रोनाइज्ड ब्लॉक है ये किसने एग्जीक्यूट किया, मेन थ्रेड ने, और मैंने यहां पर क्या कर दिया टी ए डॉट वेट। तो यहां पर क्या था, मेन थ्रेड जो है वो ये वाला ब्लॉक यूज कर रहा था, वो ये वाला ब्लॉक जो है एग्जीक्यूट कर रहा था, इसने लॉक एक्वायर कर लिया था। क्लियर है चीज, बट जैसे ही उसने देखा टी ए डॉट वेट, वो क्या काम करेगा, वो ये वाला लॉक अगेन यहां से रिलीज कर देगा, और ये जो है ये अगेन इसको एग्जीक्यूट नहीं करवा पाएगा। क्लियर है जी, ठीक है जी, तो ये वाला लॉक वापस इस ऑब्जेक्ट के पास आ गया। अब यहां पर थ्रेड जीरो जो है वो ये वाला लॉक एक्वायर कर लेगा, वो ये वाला लॉक एक्वायर कर लेगा, और वो यहां पर क्योंकि सिंक्रोनाइज दिस मैंने किया हुआ है तो लॉक ये वाला थ्रेड ये लॉक एक्वायर कर लेगा, और वो टोटल यहां पर कैलकुलेट कर लेगा। ओके जैसे ही उसने टोटल कैलकुलेट किया, वो क्या काम कर रहा है, दिस डॉट नोटिफाई, जैसे ही वो ये वाला मेथड कॉल करेगा ये जो है ये लॉक रिलीज कर देगा। क्लियर है चीज, ये लो जी, और अगेन ये वाला जो थ्रेड है डेट इज मेन थ्रेड, ये अगेन लॉक एक्वायर कर लेगा और ये इसको एग्जीक्यूट करवाने लग जाएगा। ओके जैसे ही मेन थ्रेड ये वाला पार्ट एग्जीक्यूट करवाएगा तो वो क्या करेगा, आपके पास टोटल अर्निंग्स टी ई, क्योंकि इससे आगे प्रोसेसिंग स्टार्ट हो जाएगी, तो क्या करेगा टी ई डॉट टोटल, वो क्या काम करेगा यहां पर टोटल कैलकुलेट करेगा और टोटल प्रिंट करवाएगा, और टोटल की वैल्यू यहां पर क्या आपके बार 1000 यहां पर हो जाएगी, तो वो आपके बार यहां पर क्या चीज प्रिंट कर देगा, 1000 वो यहां पर प्रिंट करवा देगा। क्लियर है चीज, तो ये इस टाइप से प्रोसेसिंग हो रही है कि भाई जैसे वेट मेथड कॉल हुआ है इसने लॉक रिलीज कर दिया, वो लॉक इसने एक्वायर कर लिया, इसने अपना काम किया, जैसे मैंने लिखा दिस डॉट नोटिफाई अगेन इसने लॉक रिलीज कर दिया, वो वाला लॉक अगेन इसने एक्वायर कर दिया, तब तक टोटल की वैल्यू यहां पर क्या हो चुकी होती है, यहां पर 1000, और जैसे मैंने ये चीज लिखा टी ई डॉट टोटल, तो वो क्या काम करेगा, 1000 जो है वो चीज ये यहां पर प्रिंट करवा देगा। क्लियर है पॉइंट, तो ये सिंपल वर्किंग है जो कि इंटर थ्रेड कम्युनिकेशन के अंदर अचीव हो रही है। क्लियर है पॉइंट, तो इस सारे पॉइंट्स आप लोगों ध्यान रखने,
अच्छा मैं यहाँ पर क्या काम कर सकता हूँ, मैं यहाँ पर कुछ सेकंड भी प्रोवाइड कर सकता हूँ, टाइम लिमिट भी मैं यहाँ पर प्रोवाइड कर सकता हूँ। क्लियर है चीज कि भाई अगर जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैंने लिखा 1 सेकंड, ओके 1000 प्रोवाइड कर दिया, और 1000 मतलब 1 सेकंड के अंदर अंदर ये वाली प्रोसेसिंग नहीं होती है, ये वाली प्रोसेसिंग कंप्लीट नहीं होती है, तो ऑटोमेटिकली ये आगे एग्जीक्यूट होना स्टार्ट हो जाएगा। क्लियर है चीज। तो ये हम लोग यहाँ पर टाइम लिमिट अगर प्रोवाइड करते हैं तो उस टाइम लिमिट के बाद ऑटोमेटिकली वो आगे की साइड प्रोसेस करना स्टार्ट कर देता है, वो ऑटोमेटिकली इन्वोक हो जाता है। ओके और अगर मैं यहाँ पर करता हूँ नोटिफाई ऑल, तो जितने भी थ्रेड्स वेटिंग स्टेट के अंदर होंगे वो सारे के सारे थ्रेड एग्जीक्यूट होना स्टार्ट हो जाएंगे। क्लियर है चीज। बस आप लोगों को ये मेन नोटिफाई एंड वेट मेथड, इनकी वर्किंग आप लोगों को पता होनी चाहिए, बाकी वर्किंग आप लोग खुद से भी प्रोवाइड कर सकते हो। ओके सो आई होप ये प्रोग्राम आप लोग प्रैक्टिकली भी समझ में आ गया होगा किस टाइप से काम कर रहा है। अगर फिर भी कोई डाउट है तो आप लोग कमेंट्स के अंदर पूछ सकते हो। ओके थैंक यू।